2019 की तुलना में इस बार एनडीए को भारी बहुमत का अनुमान है। बिल्कुल, एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत मिला है और एक बार फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान है। पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एग्जिट पोल में एनडीए को बंपर बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने का अनुमान है पोल के हिसाब से, एग्जिट पोल के मुताबिक। और इस बार जो पिछला रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री उसे तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरीके से आंकड़े आपके सामने रखेंगे कि ये बहुमत कैसे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, तीसरी बार मोदी सरकार और रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये भी सी वोटर के सर्वे से बड़ी बात निकल करके सामने आई है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब नतीजों को लेकर सियासी दलों की जो बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं बन रही है। बिल्कुल, और किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, नतीजे तो 4 जून को आएंगे। चार जून को ये तय हो जाएगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का जादू देश के दिलों पर चला या नहीं। लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए खेमे के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। एग्जिट पोल के सबसे चौंकाने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के गढ़ में एनडीए बड़ी सेंधमारी कर सकती है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अब की बार भी मोदी सरकार की ही गूंज सुनाई दे रही है। चलिए अब फटाफट नजर डाल लेते हैं बंगाल और ओडिशा के सर्वे पर। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार एनडीए को 23 से 27 सीट मिल सकती हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 सीट मिलने का अनुमान है। बंगाल में पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस गठबंधन खास कमाल दिखाता हुआ नहीं नजर आ रहा। सर्वे के मुताबिक 1 से 3 सीट कांग्रेस गठबंधन को मिलने का अनुमान है। यानी कि ममता के किले में सेंधमारी करने में बीजेपी बहुत हद तक कामयाब रही है, क्योंकि 2019 में बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 18 सीट मिली थी, जबकि टीएमसी को 22 सीट। यानी कि यहां पर टीएमसी को भारी नुकसान हो रहा है। वही कांग्रेस ने 2019 में 2 सीट हासिल की थी। मैं एग्जिट पोल के ऊपर बोलना मेरी तो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा, और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज्यादा सीट मिलेगा, और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। लेकिन इस दावे को टीएमसी खारिज कर रही है। उनका कहना है कि 4 जून को नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। The women have voted, the women electorate, if you look at West Bengal figures, has been the highest in the country, something which we are proud of. And let's wait for the 4th of June, and anyway, a short while later you'll find many of these exit polls beginning. पश्चिम बंगाल के पास के राज्य ओडिशा के नतीजे भी सबको हैरान कर सकते हैं। सर्वे में नवीन पटनायक के किले को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के 21 सीटों में से एनडीए को 17 से 19 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि बीजेडी यानी कि नवीन पटनायक की पार्टी सिर्फ 1 से 3 सीट पर सिमट सकती है। 2019 में वहां पर ये मैसेज चले गया कि हम जो वहां बीजेडी है हम उसकी सपोर्ट करते हैं, हम उनका साथ देते हैं, तो लोगों ने कहा कि फिर तो ठीक है, बीजेपी और बीजेडी है, ये कोई फर्क नहीं है। लेकिन इस बार क्लैरिटी से एक बात गई कि नहीं, बीजेडी अपना काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो काम किया है वो अलग से है, उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को दो। मैं आपको एक बात ओडिशा की जरूर कहना चाहता हूं, 21 में से 21 सीटें आएंगी, 20 नहीं होंगी, मेरी बात याद कर लेना, 21 में से 21 आएंगी। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेडी प्रमुख ताकत के रूप में उभरी थी, जिसने ओडिशा के 21 सीटों में से 12 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें हासिल की थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों में ममता बनर्जी के हाथ से पश्चिम बंगाल फिसलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि संदेश खाली पर बीजेपी की घेराबंदी और ममता के खिलाफ बीजेपी की रणनीति कामयाब रही है, जबकि ओडिशा में नवीन पटनायक को बीजेपी के हाथों जबरदस्त पटकनी मिल रही है। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार देश के उन राज्यों में भी चेहरा बनकर उभरे हैं जहां कभी क्षेत्रीय क्षत्रपों का राज हुआ करता था। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एनडीए के लिए दक्षिण राज्यों से एक अच्छी खबर या अच्छा आंकड़ा कह सकते हैं आयुष। बिल्कुल, क्योंकि इस बार देखिए दक्षिण राज्यों में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है।
प्रचार का आगाज प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण द्वार से किया था और दक्षिणी छोर पर ही चुनावी शोर को विराम भी दिया। और यही वजह है कि 2019 की तुलना में 2024 में बीजेपी दक्षिण राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है। एबीपी न्यूज के महा एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। दक्षिण राज्यों की बात करें तो केरल की कुल 20 सीटों में से 1 से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि यूडीएफ को 17 से 19 सीटें मिल सकती हैं। अगर आप 2014 और 2019 का एक्सपीरियंस देखें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्या आंकड़े आए थे। भारतीय जनता पार्टी बाय इटसेल्फ विल गेट एटलीस्ट 10-15% मोर सीट। आवर वोट शेयर इन केरला हैज गॉन अप टू 22%। अब मुख्य रूप से बात यह है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएगा और मैं नहीं समझता कि कुछ सैंपल ले लें और उसके आधार पर पूरे लोकसभा सीट का आप सर्वे कर लें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है, बहुत सारी बातें सामने भी आ रही है। वही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। कर्नाटक के कुल 28 सीट में से एनडीए को 23 से 25 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 से 5 सीट जाती हुई दिख रही हैं। The performance and popularity of Narendra Modi ji has led to a third time victory. We were 25, we might get around 23. So 2 seats are on the borderline. I am sure that they'll come back, but they are on the borderline because of the local anti-incumbency which they have. But for that, we have performed very well when compared to the last assembly elections. तमिलनाडु के 39 सीट में से बीजेपी को 2 सीट मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीट जा सकती हैं। लेकिन तेलंगाना में एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर है, दोनों ही के पास बराबर का आंकड़ा छूने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश में इंडिया को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में एनडीए के खाते में 21 से 25 सीटें आती ही दिख रही हैं, जबकि एग्जिट पोल में आंध्र प्रदेश में इंडिया गठबंधन के हाथ खाली रह सकते हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में दक्षिण में बीजेपी की एंट्री होती दिख रही है। केरल और तमिलनाडु में न सिर्फ खाता खोलेगा बल्कि कई सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी टक्कर भी दे रहे हैं। बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की, जहां की 80 सीट सत्ता का श्रृंगार करती है या फिर सत्ता से बेदखल। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे की हम बात कर लें। और इस महा एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी के गढ़ यूपी में कमल निशान का डंका बजता दिखाई दे रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, 80 लोकसभा सीट वाले इस प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी फिर एक बार विपक्ष पर भारी पड़ सकती है। हिंदी बेल्ट का सरदार, राम की नगरी का सूबा, सर्वे में बीजेपी को बड़ी सौगात देने वाला है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के महा एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में 80 में से 62 से 66 सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन को 15 से 17 सीट मिलने का अनुमान है। 2019 में एनडीए को 64 सीट मिली थी, जिसकी वजह से एक बड़े मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार यूपी में 80 में से 80 सीटें आएंगी, लेकिन विपक्ष अब भी अड़ा है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। एग्जिट पोल ने यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, फेस सेविंग अपना ढूंढ रहे हैं और 4 तारीख तक कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कहीं ये बताएंगे ईवीएम खराब है, कहीं पुलिस प्रशासन पर दोष मढ़ेंगे और एक दूसरे के सर पर ये ठीकरा फोड़ करके फिर 5 साल छुट्टी मनाने के लिए विदेश चले जाएंगे। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल थोड़ी है, ये तो 4 तारीख को मालूम होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 2004 में भी तो एग्जिट पोल आए थे जब बीजेपी को बहुमत दे रहे थे, हुआ क्या आपको मालूम है। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही हैं।
चार तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। नेताओं के बयानबाजी चलती रहेगी, लेकिन अब आपको सर्वे के फाइनल आंकड़े की तरफ ले चलते हैं। लोकसभा की 543 सीट में से किसको कितनी फीसदी वोट और कितनी सीट मिल सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 45 फीसदी वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 40 फीसदी जबकि अन्य के खाते में 15 फीसदी वोट जा सकते हैं। और अगर हम सीट की बात करें तो 2019 की तुलना में एनडीए की हिस्सेदारी में काफी इजाफा होता दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक 2024 में एनडीए 353 से 383 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। विपक्ष की झोली में 152 से 182 के बीच सीट मिलने का अनुमान है। कांटे की टक्कर की वजह से अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर के महा एग्जिट पोल के सामने आते ही नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आंकड़ों को लेकर अपनी ही दलील है। हमने तो आपको शुरू से कहा था कि ये सरकारी एग्जिट पोल्स हैं, ये वही बताएंगे जो सरकार चाहती है इन्हें बताना। इसको आप गंभीरता से लेंगे तो ये तो आप गलत करेंगे। इसको आप सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का एक स्रोत मानिए और एंजॉय कीजिए। 4 जून को हमें, जो कि जनता का पोल हमने किया है, हमें 295 सीटें हमारे गठबंधन को मिल रही हैं और वो स्पष्ट बहुमत है। ये जब चुनाव गिनती शुरू होगा ये 400 तक ही पहुंचेगा। और उड़ीसा में जैसे हम लोगों की अनुमान था कि हम लोग 15 से ऊपर, 15 से 21 तक कहीं भी जा सकते हैं। और मेरा मानना है ये बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट उड़ीसा से आएगा। मोदी जी की डंका देश में बज चुकी है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में बहुत सारे काम, बड़े बड़े काम बाकी है और निर्णायक काम सभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है। मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया था उसे हासिल करने में बहुत हद तक कामयाबी मिल सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन को सर्वे में जनता से खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। बात 40 सीट वाले बिहार की करते हैं। बिहार में इस बार एनडीए को भारी बढ़त बरकरार रहने के इंडिकेशन है। बिल्कुल, वही अगर झारखण्ड की बात की जाए तो झारखण्ड में भी एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन इस बार दिख रहा है। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज महा एग्जिट पोल ने 2024 की तस्वीर करीब करीब साफ कर दी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और सीएम नीतीश की जुगलबंदी के आगे विपक्ष धराशायी हुआ था और 2024 में भी बिहार की तस्वीर कुछ ऐसी ही दिख रही है। इस बार भी नीतीश और मोदी की जोड़ी सुपरहिट साबित होती दिख रही है। एबीपी न्यूज के महा एग्जिट पोल में बिहार की 40 सीटों में से 34 से 38 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है, तो वह इंडिया गठबंधन 3 से 5 सीट पर सिमट सकती है। अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। बिहार में भी हम पिछले नतीजे के करीब रहे। कांग्रेस की थेट्रोलॉजी है, वो 4 तारीख को भी यही कहेगा ईवीएम खराब हो गया। ये जनता का वर्डिक्ट नहीं है, ईवीएम का वर्डिक्ट है। ये कांग्रेस का और विपक्ष का ये थेट्रोलॉजी है देश के लोकतंत्र पर, सिस्टम पर उसको भरोसा नहीं। संदेश खाली बंगाल, आज बंगाल की सरकार से लोगों को का विश्वास उठ गया है और यही कारण है कि आज 30-35 सीटें भी आने की उम्मीद है बीजेपी को। अब चौंकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है
बेहोश हो जाएंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त होने जा रही है। बिहार की जनता इनको सबक सिखा देगी, ये बिहारी संस्कृति से दूर हो गए हैं। हेलीकॉप्टर पर होटल बनाकर पिकनिक मनाते हैं तो इनको सबक सिखा देगा। अरे हवा में उड़ने वाला हवा में ही तैरते रह जाता है, जमीन पर इन्होंने पैर तक नहीं रखा। जमीन पर उतरकर जनता की भावनाओं से रूबरू होते तब बिहार की सच को जान पाते। एक तरफ तो एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद नजर आ रही है तो वहीं विपक्ष ने अनुमान पर सियासी तूफान मचा दिया है। 100% कामयाब साबित हुआ, ये तो ठीक है, सिर्फ वोटर का है ना। हमने तो 251 रैली किया ना, हमें पता है ना कि हम हर रैली में गए, रात बिताए हर अलग अलग जिला में, और जो बीजेपी का गढ़ जिसको माना जाता है, जिसको हम लोग नहीं मानते थे कि हरा सकते, अब रिजल्ट आ जाएगा। आप देख लीजिए, मोतिहारी जैसे सीट को हम बीजेपी से जीत रहे हैं, तो हमारे साथ किसान, युवा, सारे लोग हमारे साथ हैं। मतलब कोई हमारे साथ नहीं रहने का कोई रीजन होना चाहिए। देखिए, जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए इस तरह का मीडिया एसी के कमरे में बैठ करके ये जो लिया गया है लोगों की राय, हमने वो देखा है। जब श्री तेजस्वी यादव जी हजारों लाखों की भीड़ में जिस तरह नौकरी की बात कर रहे थे, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, महंगाई से आजादी दिलाने की बात कर रही थी, तो जनता का जनसैलाब उमड़ रहा था। अब बात झारखंड की करते हैं। 14 सीट वाले झारखंड में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। एनडीए के खाते में 11 से 13 सीट जा सकती हैं, तो वहाँ इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीट मिल सकती है। हमने जो अब की बार 400 पार का नारा दिया था, अधिकांश एग्जिट पोल्स 350 से 405 सीटों के बीच में हमारे एनडीए के सीटों की संख्या दिखा रहे हैं, उसमें प्लस माइनस 10% का उनका एरर का स्कोप रहता है। तो हम जाहिर तौर पर मानते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे भी बेहतर है, और जब एक्चुअल परिणाम आएंगे तो हम 400 के लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। खड़गे जी ने अभी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग से बाहर आकर कहा कि विपक्षी दल जितने भी हैं इंडिया गठबंधन में, तमाम दलों से जो प्राप्त आंकड़े हैं उसके हिसाब से 295 प्लस है सीट्स, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है पूरी तरह से। इसलिए अभी से ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, चुनाव नतीजे आने दीजिए। और ये तो एग्जिट पोल तो आखिर एग्जिट पोल होते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं मानना चाहिए। आई को हटा के ये लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब क्या रह गया चुनाव का। जिस तरह से परसेंटेज लोग बता रहे हैं कि ऐसे 51% उसका हो गया, 40% उसका हो गया, किस सीट पे किसको कितना ज़्यादा परसेंटेज मिल जाएगा और उस हिसाब से आप निर्णय ले लेंगे। कोई हो सकता है 1.5 लाख वोट से जीत रहा हो और उसका परसेंटेज वहाँ ज़्यादा हो और उसे आप पूरे राज्य का हिसाब किताब कर ले, ये ठीक नहीं है। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा रही है। दोनों ही राज्यों में एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हाथ मायूसी लग सकती है। बात करते हैं पहाड़ी प्रदेशों की, और इस बार देखिए पहाड़ी प्रदेशों की जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मेहरबान नजर आ रही है। बिल्कुल, सर्वे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में एनडीए भारी बढ़त के साथ 400 के आंकड़े को छूने की कोशिश में। सर्वे में देश के पहाड़ी राज्य भी एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल का अनुमान 2019 के नतीजे के आसपास ही है। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल की 4 सीट में से बीजेपी को 3 से 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। मंडी लोकसभा सीट पर कांटे का मुकाबला है, यहां कांग्रेस के विक्रमादित्य और बीजेपी के कंगना रनौत में सीधी टक्कर है, लिहाजा इस बार के नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो 2019 की तरह इस बार भी बीजेपी सभी 5 सीट पर क्लीन स्वीप कर सकती है। इंडिया गठबंधन और अन्य का यहां खाता भी खुलता नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड में सबकी निगाहें पौड़ी गढ़वाल सीट पर है,
जहां से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मैदान में हैं और बीजेपी ने इन्हें पौड़ी गढ़वाल की जिम्मेदारी सौंपने का प्लान बनाया है। इस सीट से अनिल बलूनी की जीत तय मानी जा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सरकारी एग्जिट पोल हैं, ये नरेंद्र मोदी के एग्जिट पोल हैं। जनता ने भी एक एग्जिट पोल किया और उसका आंकड़ा 295 इंडिया के फेवर में आ रहा है। ये साइंटिफिक तरीके से जो हमारी मीटिंग यहाँ पर चली, हमारा हर एलआई वहां पे प्रेजेंट था, उन्होंने आंकड़े लिखकर कौन कौन सी सीट है, कितनी मार्जिन से भी जीत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। तो मुझे लगता है जनता के एग्जिट पोल में और सरकारी एग्जिट पोल जो टीवी पर दिखाकर झुंझुना चलाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ, ये हमारा नारा था और इस नारे से ज्यादा ही हो गया है, ये असलियत है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। बीजेपी के लिए ये राज्य बेहद अहम है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 5 सीट वाले जम्मू कश्मीर में एनडीए के खाते में 1 से 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 0 से 2 सीट मिल सकती है। यहाँ अन्य भी ताकतवर दिख रहा है, हो सकता है अन्य को 2 से 3 सीट मिल जाए, लेकिन बीजेपी का अपना दावा है। अलग अलग टेलीविजन चैनल्स और अलग अलग एजेंसीज ने जो सर्वे किए हैं उन सर्वों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। पुनः तीसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर जबरदस्त विश्वास किया है। महा एग्जिट के सर्वे में ये साफ है कि इस बार बीजेपी के वोटर्स का दायरा बड़ा है। देश में जहां बीजेपी कमजोर थी वहां मजबूत हो गई है और जिन राज्यों पर कब्जा था वहां और ताकतवर हुई है। बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की। बिल्कुल, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि हरियाणा किसान आंदोलन की वजह से पिछले दिनों काफी सुर्खियों में रहा, जिसका असर एबीपी न्यूज और सी वोटर्स के सर्वे में दिखाई पड़ रहा है। देश की राजधानी पर किसका होगा राज, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। सर्वे के मुताबिक 2019 की तरह बीजेपी को क्लीन स्वीप करने में आम आदमी पार्टी रोड़ा अटका रही है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों में एनडीए को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीट मिल सकती है। 2019 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। 295 तो कह रहे हैं, लेकिन अभी प्रेडिक्शंस आया जो एग्जिट पोल का, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया। तो ये जो लोग हैं ये सांप्रदायिक लोग हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, अब देश इनको समझ गया है। और कांग्रेस की जो राजनीति थी तुष्टिकरण की, उसको देश समझ गया, इसलिए कांग्रेस को नकार दिया। मैं केरल की हूँ, मैं आज साफ दौड़कर बता रही हूँ कि 1 भी सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी वहाँ। आज खुश होने दो उनको, 4 तारीख को हम मौज मनाएंगे, हम खुश होंगे। 4 तारीख को इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। 2004 में आपको पहले पता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, जीतने के बाद 3 दिन में हो जाएगा। वहीं अब हरियाणा की बात करें तो बीजेपी की सीट पर डेंट लगता नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा की 10 सीट में से एनडीए को 4 से 6 और इंडिया गठबंधन को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। सर्वे के आंकड़ों से उलट दिल्ली के सीएम केजरीवाल का 2024 के नतीजों को लेकर कुछ और ही दावा है कि इंडिया गठबंधन को 295+ सीट मिल रही है, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री का चेहरा चार तारीख को डिसाइड होगा। पंजाब में एनडीए को जो उम्मीद है वो एग्जिट पोल में दिख नहीं रही है। 13 सीट वाले पंजाब में सर्वे एनडीए को 1 से 3 सीट दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 से 8 और आम आदमी पार्टी को 3 से 5 सीट मिल सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल का खाता भी नहीं खुलेगा।
यानी कि पंजाब में किसान आंदोलन का चुनाव पर गहरा असर है। वहीं इस मौके को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल रही है। बात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, जहां ये वो राज्य हैं पिछले साल बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचाई, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी थी। बिल्कुल, अगर तीनों राज्यों में बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला इस बार देखने को मिला है। अब देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही है। 19 अप्रैल को शुरू हुआ चुनावी घमासान 1 जून को आखिरी चरण के रण के साथ खत्म हुआ और आखिरी चरण की वोटिंग के तुरंत बाद आई एग्जिट पोल ने बीजेपी के लिए खुशियों का खजाना खोल दिया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कुल सीटें हैं 29 और वहां 4 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 19 अप्रैल को सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान हुआ, तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद सीटों पर वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, बैतूल और राजगढ़ में वोटिंग हुई, तो चौथे चरण में 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। अब देखते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में किसको कितने फीसदी वोट मिले। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो आंकड़ा क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। 29 में से हम 29 जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। सभी 29 सीट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 4 तारीख को 400 पार होंगे। 400 पार नारा नहीं, जनता के दिल की आवाज है और विश्वास है श्री नरेंद्र मोदी जी, और इसलिए एनडीए 400 पार करेगा, बीजेपी अकेली 370 क्रॉस करेगी। मध्य प्रदेश में 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 में बीजेपी को कुल 29 में से 28 सीटें मिली थी, जो एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के हिसाब से 1 से 3 सीट कम हो सकती हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 4 जून को आंकड़े बदलेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। अभी जो रुझान मिल रहे हैं, मैंने अभी टीवी पे देखा है, जो सर्वे का पूर्वानुमान आया है और जिस ढंग से लगा है कि भारत में एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की, जहां की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 19 अप्रैल को सिर्फ बस्तर में वोटिंग हुई, तो वहीं दूसरे चरण में 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। वहीं तीसरे चरण में 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोटिंग हुई। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला था। लिहाजा देख लेते हैं एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की ओर और देखते हैं कितना प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। अगर ये वोट प्रतिशत संख्या में बदलते हैं तो किसको कितनी सीटें मिल सकती है, ये भी देख लेते हैं। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के हाथ 2 सीटें आई थी। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। नतीजों पर कांग्रेस और बीजेपी का दावा सुनते हैं। पूरे देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बागडोर संभालें। तो इसमें अधिकांश समय हम लोगों ने देखा कि जो सर्वे आता है उसके उलट रिजल्ट आते हमने देखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खूब दौरा किया है, जहाँ राहुल जी ने किया, प्रियंका जी ने किया, कर्ण साहब, इस उम्र में भी पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में उन्होंने दौरा किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और अब बात राजस्थान की, जहाँ की कुल 25 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। राजस्थान में वो राज्य है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला था। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिल सकते हैं, ये देखते हैं। और अब देख लेते हैं कि आंकड़े सीटों में कितने तब्दील होते हैं। राजस्थान का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज और सी वोटर एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम कहते हैं उससे ज्यादा आती हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन जो पक्का किया था उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
हिंदी बेल्ट में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो तीन राज्य हैं जहां पिछले साल हुए विधानसभा में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी जीत बम्पर वोट से कायम रखी, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस से छीना और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है।